वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपका मेरे किचन में स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन यखनी पुलाव, जो बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनता है और बहुत ही इजी और सिंपल वे से मैं बताने वाली हूँ, जो कुकर में बनेगा झटपट। उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो चिकन, ये दो आलू मैंने लिए हैं कटे हुए, दो बड़े प्याज कटे हुए, बड़े लंबे कटे हुए, दही चाहिए हमें एक कटोरी, ये कुछ ड्राई मसाले मैंने लिए हैं, एक बड़ा चम्मच धनिया साबुत, तीन कश्मीरी लाल मिर्च साबुत, छोटी इलायची, चार पांच लौंग, काली मिरी चार पांच, पांच से छह लिए हैं मैंने, तेज पत्ता लिया है दो, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है। और हम इन सबको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, इसकी पाउडर बनाएंगे, ताजा गरम मसाला पाउडर, और इसकी हम यखनी बनाएंगे चिकन के साथ, और उसमें हम हमारा जो चावल है वो पकाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यखनी पुलाव बनाना। मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है, दो टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूं, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। जैसे ही हमारा तेल गरम होता है हम इसमें जीरे का तड़का देंगे, और ये हम मीडियम फ्लेम पे ही करने वाले हैं। एक टेबलस्पून जीरा डालिए, जीरा जैसे ही तड़कना शुरू करता है फिर हम इसमें जो लंबे कटे हुए प्याज हैं, जो दो बड़े प्याज लिए हैं मैंने, वो हम इसमें मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई करके लेंगे हम। तो हमारा प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तो मैं अभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन प्याज अच्छी तरह से भुन गया है, जो मैंने फ्रेश गरम मसाला बनाया था, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे, उसकी खुशबू तो एकदम लाजवाब आ रही है। तो ये फ्रेश मसाला जाएगा हमारे कुकर में, इसको भी हम फ्राई करेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है क्योंकि ये फ्रेश मसाला है जो मैंने बनाया है। इसमें जाएगा चिकन, और ये सब मीडियम फ्लेम पे ही करना है हमें, हाई फ्लेम नहीं, नहीं तो मसाला जल जाएगा हमारा। तो अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है मसालों की, तो हम चिकन को अच्छी तरह मसालों में फ्राई करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा, तो मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह से, चिकन को फ्राई करके लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं, और जो चिकन के जो जूसेस है उसी में हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि नीचे से जल ना जाए, मैं थोड़ा सा पानी डाल के तीन सीटियां लगाने वाली हूँ चिकन को। तो
तो मैं अभी इसको तीन सीटियां दूंगी, कुकर का लिड हम बंद करेंगे और इसको तीन सीटियां देंगे। तो तीन सीटियां होने के बाद हमारा कुकर ठंडा हो गया है। अब हम कुकर का ढक्कन निकालेंगे। अब देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पे वापस रखेंगे। और इसमें डालेंगे आलू। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मैंने चावल को मसालों के साथ मिक्स किया है। मैंने दावत का लॉन्ग ग्रेन रहते हैं वो चावल यूज किया है। आप चाहे जो ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा दही। हम दही डालेंगे आखिर में इसमें और नमक। तो अब मैं इसमें एक कटोरी दही डाल रही हूं। हम मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे। हमने पहले ही नमक डाला था, अभी थोड़ा सा नमक और डालेंगे। और सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा चावल जो है वो फ्राई हुआ है सारे मसालों के साथ। मैंने थोड़ा गुनगुना पानी किया है एक कटोरी, वो अभी हम डालेंगे। और इसको हम चार सीटियां लगाएंगे, तीन से चार सीटियां। तो मैंने इसको तीन सीटियां लगाई हैं। हमारा कुकर ठंडा हो गया है। अब हम कुकर के लिड को ओपन करेंगे। वाह, और आप देख सकते हैं हमारा यखनी पुलाव कितना बढ़िया बना है। एक एक चावल का दाना खिला हुआ है। तो मैं अभी इसको सर्व करती हूँ। तो मैंने हमारा यखनी पुलाव प्लेट में सर्व किया है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, लाजवाब बना है। एक एक चावल का दाना खिला हुआ है। तो आप जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।